नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाई सेल सिग्नल का स्किनर बनाया और उसी का तो मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ और मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ। तो उसका आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा तो आप लोग को दिखाने जाऊँगा। तो ये आप लोग अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि ये कैसे कितना इफेक्टिवली काम करता है और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। वही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप लोग बहुत आदमी बोलते हैं कि आप लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, कैसे यूज़ किया जा सकता है उसको आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैंने बाई सेल लेवल का व्यू देता हूँ और निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देता हूँ और बहुत सारा चीज़ एडुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ आप लोग को मिल जाएगा। तो बहुत सारा चार्ट का सेटअप, कैसे स्टॉक चुनना है और कैसे सेफेस्ट एंट्री ले सकता है, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये सब बहुत सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को स्टॉक मार्केट का जरूर हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बाई सेल लेवल कम स्किनर में मेरा बाई सेल लेवल 1, बाई सेल लेवल 2 और बाई सेल लेवल 3 रहता है और इसमें बहुत सारा पैरामीटर्स है, वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, ईमे क्रॉसओवर, प्राइस चैनल, बोलिंजर बैंड, इसमें गुग आउट और बाई सेल लेवल 3 में इसमें आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकता है। उसके बाद बाई सेल लेवल देखेंगे तो आप लोग कोई भी बाई सेल लेवल देख सकता है, उसके बाद आप लोग ट्रेड कर सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं आज का परफॉर्मेंस। देखिए मैंने इधर फाइल शेयर किया था मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसके बाद फ्राइडे का एंड ऑफ द डाटा लेके मैंने फाइल शेयर किया था, वो तो आप लोग मेरा रिकमेंडेशन भी रहता है तो आप लोग भी कर सकता है। जो रिकमेंडेड स्टॉक्स है वही मैंने पहले दिखाने जा रहा हूँ, दिखा देता हूँ। सोच लीजिए मैंने ऑरो फार्मा का चूज़ किया, ऑरो फार्मा में ऑरो फार्मा का बाई और सेल लेवल इधर देखा था, दोनों साइड मैंने मेरा जो करंट हाई बाई सेल लेवल है, करंट हाई लो क्लोज है, वो मैंने फाइल एनएस इंडिया साइट से डाउनलोड कर लिया। उसके बाद करंट जो चल रहा है उसके बाद इस बार मैंने फार्मूला लगाया, मेरा बाई का लेवल से करंट हाई गेटर है, ज़्यादा है और करंट लो से मेरा सेल का जो एंट्री लेवल है वो लो है। तो देखते हैं कैसे इधर ऑरो फार्मा देखिए 465.47 मतलब 45 या 461.50 आप लोग पकड़ सकता है या 465.39 ये सेल लेवल है। तो चार्ट में एक बार देख लेता है, चार्ट में एंट्री लेना पॉसिबल होता है या नहीं होता है। देखिए ऑरो फार्मा को एक बार देख लेते हैं, ऑरो फार्मा का देखिए इधर 471 में ओपन हुआ था, उसके बाद 474 गया था इधर, उसके बाद 464 में इधर लो हुआ है। तो आप लोग इधर इसके बाद 460 इधर जो लेवल था मतलब उसके बाद 469 के ऊपर 470 गया, 471 के ऊपर ये 474.40 तक गया था। तो इसका इधर आप लोग एंट्री ले सकते थे और प्रॉफिट भी हो सकता था। और इधर सेल का एंट्री लेवल था 464, इधर 464 के नीचे ज़्यादा आया नहीं है। तो मेरा इधर जो उसके बाद मेरा सुबह में भी कॉल था, इधर देखिए ऑरो फार्मा मैंने सेल लेवल बिलो लेवल उसके बाद वो 464 टाइम आप लोग देख सकता है 1:19 पर मैंने ये कॉल दिया था। तो उधर हम लोग को 464 तक उसके बाद आया था। तो देखता है उसके बाद JSW इधर इस फाइल में भी एक बार देख लेता है, बाई सेल लेवल 3 का फाइल में ऑरो फार्मा का परफॉर्मेंस एक बार देख लेता है, ऑरो फार्मा का फाइल एक बार देख लेता है। ये इधर 481 और 467 से इसका सेल लेवल था, 467 से इधर 464 तक इसका लो हुआ है। और इधर मेरा और का रिकमेंडेशन था JSW स्टील, मैंने एक दो दिखा देता हूँ क्योंकि सबका दिखाने का टाइम नहीं होगा, मेरा वीडियो का लिमिटेड टाइम है।
तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक बार देख लेता है, जेएसडब्ल्यू स्टील का कितना हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील इसमें बाइसल वन में देखिए 270 हाई हुआ है और 262 लो हुआ है, तो 265 से इसका बाई लेवल, 264 से इसका सेल लेवल था। देखता है एक बार, हर बार मैं चार्ट देख के आता हूँ में बाई सेल लेवल थ्री में क्या होता था। बाई सेल लेवल थ्री में देखिए 269 से ऊपर गया था और 264 के नीचे इसका लो गया था। तो इधर देखिए 264 के नीचे ये 262 तक हाई लो हुआ था, 262 पर इसका लो हुआ था। नहीं है और देखते हैं, और भी देखता है, सोच लीजिए टाटा मोटर्स, मैंने इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस देखता हूँ, एक एक सब स्टॉक्स तो दिखाने का संभव नहीं है, इसीलिए मैंने सोच लीजिए इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस, इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस को मैंने देखता हूँ, इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस 298.58 इसका बाई लेवल था और 294.14 इस लेवल था सेल लेवल था। तो इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस को एक बार देख लेते हैं इधर चार्ट में लगा के, इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस एक बार देखते हैं। इधर 300 में ओपन हुआ था, 306 इसका आई गया था, तो 300 में ओपन होने के बाद आप लोग 298 के ऊपर ओपन एंट्री ले सकते थे, तो 306 पंचस तक आप लोग को आसानी से प्रॉफिट आ जाता था। उसके बाद 294 के नीचे दिया था, ये 293.25 तक नीचे आया था। और इस फाइल में अब क्या होता था, इस फाइल में 317 इसका बाई लेवल था और 295 के नीचे ये 293 तक नीचे आ गया था। आप लोग दोनों फाइल मिला के बाई सेल लेवल 1, 2, 3 मिला के आप लोग को देख लेंगे कौन सा लेवल आप लोग को सही लगता है, वो आप लोग किसी भी एक में काम कर सकता है, जो लेवल आगे आएगा वो लेवल में आप लोग काम कर सकता है। आरबीएल बैंक को देख लेता है एक बार, आरबीएल बैंक को एक बार देख लेता, 345.75 इसका हाई था बाई लेवल था और 342.60 सेल लेवल था। तो देखते हैं एक बार आई है, तो इसमें 341 में ओपन हुआ था, 347 गया था, 341 से ओपन होने के बाद इसका बाई लेवल था आरबीएल बैंक को 347 ये ओपन होने के से ही ये इसका बाई लेवल आप लोग पकड़ नहीं पाते थे, ओपन होने के साथ साथ ही ये ऊपर चला गया था, 345 के ऊपर आप लोग को नहीं आता था। उसके बाद इसका सेल का था 342 से ये 332 तक आ गया था, 342 से आप लोग देखिए 332 तक आप लोग को प्रॉफिट मिल जाता था। और इस फाइल में भी एक बार चेक कर लेते हैं आरबीएल बैंक इस फाइल में भी एक बार चेक कर लेते हैं, इधर 359 इसका हाई था और 343 के नीचे ये 332 तक लो हुआ था। तो ये मैंने एक बार निफ्टी को देख लेता हूँ, निफ्टी देखिए 32 बैंक निफ्टी 32,315 के ऊपर इसका हाई लेवल था, तो बैंक निफ्टी 332 का जो हाई लेवल था उसके बाद 425 हाई गया था, 349 में ओपन हुआ, 3,425 तक ये हाई गया था, 315 से आप लोग 350 के ऊपर एंट्री ले सकते थे तो आप लोग को प्रॉफिट आ जाता था। और 269 के नीचे इसका सेल लेवल था, ये 220 तक आया है, 220 तक इसका लो हुआ है। और इस फाइल में ऐसे देखने से क्या होता था, इस फाइल में 600 के ऊपर बाई लेवल था और 279 के नीचे 220 तक आ गया था। और निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, निफ्टी का 12,265 के 12,265